मौसम देखो क्या मजा ले रहा है। अभी तो मतलब ढंग से पहाड़ शुरू भी नहीं हुए, उससे पहले ही बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया। मौसम क्या स्टार्ट हो गया, मजा ले रहा आगे चल रही है बारिश। ये देखो हो रही थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग तो स्टार्ट पीछे ही हो गई थी और यहाँ मुझे लग रहा है कि बारिश भी हो रही है ठीक ठाक सी। और ये लो जी बूंदे पड़नी स्टार्ट हो गई शीशे पे, बहुत बढ़िया। चलो मौसम अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है। वैसे तो खाने का अभी तक कुछ नहीं मिला है, खाने की तलाश जारी, खाने की तलाश कंटिन्यू है, कुछ नहीं मिला हमें खाने का। चलो देखेंगे कुछ मिलेगा तो अच्छा सा। तो जी हो गया वेलकम टू हिमाचल, वेलकम टू हिमाचल हो गया। वेलकम टू हिमाचल होने से पहले अभी कांड हो जाता है। हमारे साथ पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पे, अभी चलान उलान हो गया होता, बच गए स्पीड का। वो बस वो सेटअप वेटअप कर रहे थे अपना, अभी चलान काटने स्टार्ट नहीं किए थे उन्होंने, इसलिए बच गया। अदरवाइज 80 के आसपास स्पीड थी। अब यहाँ स्पीड लिमिट नहीं पता कितने, यहाँ आगे लिखी हुई है 50, वहाँ तो स्पीड लिमिट ही नहीं दिख रही थी कहीं पर कितनी है, वहाँ कट जाता। अगर बच गए भैया, बच गए आज, चलो कोई नहीं, गुड, अच्छी बात है बच गए तो। बाकी रास्ते के मजे लो, देखो बिल्कुल पहाड़ों जैसा फील आना शुरू हो गया। पहाड़ तो शुरू भी हो गया वैसे तो, हाँ तो फील तो आएगा ही। ये कालका क्रॉस कर रहे होंगे शायद हमारे ख्याल से अभी। बाकी फोग हुई बढ़िया राइट साइड में, अगर आप देखो तो पूरा फोग, ये पूरा जो है एरिया, ये पूरे एरिया में पहाड़ होते होते हैं, अब कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, पूरा फॉग हुआ पड़ा है। तो हमने कर दिया है जी शीशा, शीशा खोल दिया है, सॉरी एसी बंद कर दिया है क्योंकि मौसम हो गया बहुत बढ़िया। ये देखो हिमाचल की एंट्री के साथ ही यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से ये कर रखा है, कुछ 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 इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि कुछ वेंटलर हुई है क्या, उस चक्कर में ऐसे से रखी है यहाँ पे शायद। हाँ यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड जैसा हुआ है, कोई निकल गए अब तो। कुछ एक्सीडेंट हो गया उस चक्कर में, पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है, क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है ना रोड का, जगह जगह लैंडस्लाइड। और ऊपर से ये इन्होंने ये क्या बोलते हैं, पूरा फॉग हुआ पड़ा है, कुछ नहीं दिख रहा, फॉग है बादल है पता नहीं, बट नथिंग इज विजिबल। विजिबिलिटी 10 मीटर से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। और ऊपर से जगह जगह ये पत्थर पत्थर गिरे पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा मतलब कैसे, मतलब इतना इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई पड़ी इस रास्ते पे बीच बीच में। बाकी मौसम मस्त हो गया है, एसी बंद कर दिया है, बढ़िया मौसम ठंडा सा लग रहा है अभी इस टाइम पे। और बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे, स्पीड बहुत कम हो गई है क्योंकि फॉग में विजिबिलिटी जीरो हो गई है। बीच बीच में जहाँ विजिबिलिटी ठीक आ रही है वहाँ खींच ले रहे हैं, बट अच्छी बात यह है कि जो ऑलमोस्ट पूरा हाईवे जो है ये सोलन वोलन तक, शिमला तक ऑलमोस्ट बीच बीच में गैप्स हैं, अदरवाइज ये शिमला तक जो हाईवे है ये पूरा ऐसे ही है, आपका डेडिकेटेड 4 लेन हाईवे है, तो आने जाने की अलग अलग लाइन्स हैं, तो एटलीस्ट आपको सामने से ट्रैफिक आने का डर नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी मौसम बहुत बीच बीच में ख़राब हो जा रहा है एकदम ही। गाड़ी पलट गई, क्या बुरा हुआ पड़ा था गाड़ी का, कमर्शियल गाड़ी थी और स्पीड वीड में जा रहा हुआ और पूरी पलट गई, बस नीचे नहीं गिरी, अटक गई, ये शांति मानो, नहीं तो जिस हिसाब से खड़ी थी उस हिसाब से नीचे भी जा सकती थी वो। ठीक है जी, तो टाइम हो गया है जी 9:30, तो हमें चले हुए अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे हो गए हैं। हम नेट नेट जब डीजल वागन के 6:30 हो चुके थे बाय दैट टाइम, तो 3 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए, पर हमें अभी तक खाना नहीं मिला आज, उसकी हमें बड़ी वो हो रही है कि खाना नहीं मिला हमें अभी तक। सो आई वांट टू ईट समथिंग,
आज वो कह रहा है ना, पहले वो हल्दीराम बंद मिला, फिर बीकानेर बंद मिला, उसके बाद यहाँ पे एक गुलाब यानी कुछ ऐसे कुछ करके एक था अच्छा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट बीच में, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो रोड ही बंद कर रखी थी, लेफ्ट साइड में ही आता है, बट वहाँ पे लैंडस्लाइड के चक्कर में ये रोड बंद कर रखी थी, वन साइड कर रखी थी, तो उस चक्कर में उधर जाने का ऑप्शन ही नहीं था, तो वहाँ वो सीन हो गया। तो आज तो पता नहीं ऐसा लग रहा है साजिश हो रही है, साजिश हमारे खिलाफ कि हाँ भाई कैसे तुम खा लोगे खाना आज। चलो कोई नहीं, पहुँचते हैं फाइनली। ये सागर रत्न दिखा, यहाँ रुका हूँ, यहाँ जाकर देखते हैं, ये इसमें ओपन लिखा तो हुआ है क्या कुछ मिलेगा खाने का, नहीं मिलेगा, लेट्स सी। चलो चलते हैं अंदर। फाइनली हमारे को पूरी सब्जी मिल गई यहाँ पे, आफ्टर ए लॉन्ग वेट फाइनली पूरी सब्जी मिल गई है, आती है अभी, तो दिखाते हैं आपको जी कैसी है, अच्छी होनी चाहिए होपफुली, सागर रत्न है। देख रहे हो जितने सब्जी मैंने छोड़ दी है, इससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि मेरे को कितनी टेस्टी लगी है ये, तो मतलब बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया, सुबह से 3 घंटे से वेट करते पूरे खाने की और ये मिला है, बहुत बकवास, बहुत ही बकवास। सोच रहे कुछ और खाएं क्या ना खाएं, पेट से भर गया, मन नहीं भरा, चलो देखते हैं। मन भरने के लिए फाइनली मैंने दही बड़ा मंगवाया है, ये खाते हैं और थोड़ा सा मन को शांति देते हैं और फिर निकलेंगे आगे जी, ये अच्छा लग रहा है। फाइनली जी अच्छा खासा टाइम निकालने के बाद यहाँ पे आधा घंटा लग गया अराउंड खाना खाने में, कुछ खास मज़ा आया नहीं, पर चलो ठीक है, एट द एंड अपना ठीक हो गया था ये हिसाब किताब सा, जो हमने ये मंगवा लिया था क्या बोलते हैं दही बड़ा मंगवाया था, तो ठीक हो गया थोड़ा सा हिसाब किताब, अदरवाइज़ तो आज तो सीन ही हो गया है, मतलब इतनी देर पूरी की वेट करी और मिला क्या, साउथ इंडियन वाले स्टाइल में पूरी, कोरमा, कोरमे के साथ में पूरी मिली, बताओ यार, मतलब मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया पूरी खाने में, बट ठीक है चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे कुछ अच्छा मिलेगा तो अच्छा कुछ खाएंगे। चलो अब निकलते हैं यहाँ से जी, टाइम हो गया है 10:15, अराउंड 1.25 घंटा लग गया यहाँ पे, निकलते जी आगे, चलो ओके। पहले तो देखो जी मौसम क्या बढ़िया हो रहा है, ठीक है, और दूसरा अपडेट, मौसम ऐसे बहुत टाइम से चल रहा है, और दूसरा अपडेट ये कि हम, मैं जैसे नारकंडा जा रहा हूँ तो आपको उसके लिए शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है, शिमला से अराउंड 20 किलोमीटर पहले एक कट आता है ऊपर को राइट साइड में, जहाँ पे कुफरी और ये वाला रास्ता है, बेसिकली कुफरी का भी रास्ता यही है, अगर आपको शिमला नहीं जाना है ना, तो अगर आपको सीधा कुफरी जाना है तो जो कुफरी वाला आगे रास्ता, कुफरी नारकंडा ये वाला रास्ता, तो मैंने ये रास्ता पकड़ लिया, यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर है नारकंडा, तो चलते हैं जी, यहाँ मिलते हैं। और मौसम बहुत ही फैंटास्टिक होता जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार होता जा रहा है, मतलब मैं इस रूट पे पहली बार आया हूँ, ओहो कहाँ जाना भैया, शोगी इधर, महली इधर, नारकंडा किधर। फोक का हाल देख रहे हो क्या, समझ ही नहीं आ रहा, या कि गाड़ी चल रही है आपको दिख भी नहीं रही होगी, लेट क्यों हो गया वो एक बार जरा पहुंच के बताऊंगा शांति से, कि सुबह चला था और ये अंधेरा कैसे हो गया, तो वो आराम से बताऊंगा मैं शांति से, बट अभी अब ये देखो कि फोक का कितना बुरा हाल हो रहा है। चमक देख रहे हो, लाइट सी बहुत है रूम में। तो जी हम पहुंच गए थे नारकंडा, पहुंच क्या गए थे, जस्ट अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले,
तो हुआ क्या कि दिन में सोलन में मेरा एक फ्रेंड रहता है, माई मतलब नो कॉलेज मेट, राइट? तो बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा। तो मैं सोलन पहुंचा तो मैंने उसको कॉल किया, यार अवेलेबल है क्या, मिल सकते हैं? तो कह रहा आ जा घर पे। तो मैं उसके घर पे चला गया और उसके घर पे फिर 5-6 घंटे लग गए, तो टाइम का पता ही नहीं चला। इसीलिए फिर वहाँ से शाम को 5:30 बजे निकला हूँ। अब 5:30 बजे निकल के अभी जस्ट 8:30 बजे नारकंडा पहुँचा। तो सोलन से नारकंडा 3 घंटे का टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर के आसपास था शायद। तो रास्ते में फॉग बहुत मिली, बहुत बुरी वाली फॉग मिली, मतलब जिसको कहते हैं ना बुरी, मतलब लिटरली बुरी वाली फॉग, तो वो मिली रास्ते में। तो उस चक्कर में बहुत टाइम लगा, बहुत और बहुत और बहुत टाइम लगा, मतलब यहाँ तक पहुँचने में। बड़ा पहुँच गए हैं, थोड़ा सा अपना खाना वाना खाएंगे और उसके बाद लेटते हैं। अब आगे की आइटनरी बैठ के डिसाइड करूँगा क्या करना क्या नहीं करना। तो ठीक है, फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल के व्लॉग में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, अभी बैठ के उसकी प्लानिंग की जाएगी क्या करना है कैसे करना है। सो विल सी टू दैट क्या हो सकता है। तो ठीक है जी, फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नए व्यू के साथ। तब तक के लिए डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।